तो गाइस जैसे कि आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप कैसे फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट यानी कि परचेज किया हुआ प्रोडक्ट को बाय करने के बाद अगर आपको ये प्रोडक्ट कोई गलत यानी कि टूटा हुआ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया आप कैसे रिप्लेसमेंट या रिफंड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बहुत सारे लोग को यहाँ पर जो कि रिप्लेस यानी कि रिफंड करना नहीं आता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे फ्लिपकार्ट से कोई भी परचेस किया हुआ प्रोडक्ट को रिफंड ले सकते हैं और उसके साथ बताऊंगा आप इसको कैसे रिटर्न भी कर सकते हैं। तो बेसिकली सभी लोग को यहाँ पर जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होता है कैसे आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं तो यहाँ पर पता नहीं होता है आप कैसे कोई भी प्रोडक्ट को रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप कैसे बैंक अकाउंट में आप सीधा आपका पैसा को वापस ले सकते हैं। इस वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल में पहला तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट को आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना हुआ है चैनल पे, आप जाके आई बटन पर देख सकते हैं या आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के पास और देख लेते हैं आप कैसे यहाँ पर जो कि रिफंड यानी कि रिटर्न रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा यानी कि आपको चले जाना होगा माय ऑर्डर सेक्शन पर। ठीक है, तो जैसे कि आप थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे एंड थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद माय ऑर्डर से एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि मैं एक मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया था टेक्नो स्पार्क पावर 2, तो मैं इसको यहाँ पर जो कि रिफंड कैसे लेते हैं मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप जिस प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट आपका बुरा आया या टूटा फूटा प्रोडक्ट आया या आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पर जो कि रिफंड के लिए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि ऑर्डर प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से कुछ आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डिलीवर्ड हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रिटर्न का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिटर्न का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सिंपली रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, सो रिटर्न के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा एंड आपको क्या करना पड़ेगा रीज़न फॉर रिटर्न यानी कि रिटर्न का रीज़न सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कि आप अपने हिसाब से आपको यहाँ पर रीज़न को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो कि मेरा एक रीज़न कुछ भी रीज़न को सिलेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर जो कि कुछ भी एक सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर एक कमेंट आपको कुछ भी लिख के यहाँ पर जो कि कंटिन्यू करना होगा। सो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर जो कि कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि रिटर्न ऑप्शन, तो यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा एंड आप जब आप यहाँ पर जो कि रिटर्न लेना चाहते हो तो आप यहां पर से रिटर्न कर सकते हैं एंड यहां पर जो कि रिफंड करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं यहां पर रिफंड का ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिफंड इस ऑप्शन पर क्लिक करना करने के बाद आपको जो कि रिफंड हो जाएगा एंड यहां पर रिफंड ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां पर जो कि रिफंड अमाउंट यानी कि आप देख सकते हैं 10,000 रुपीज़ मैं किस में लेना चाहूँगा। ठीक है, तो आप गिफ्ट कार्ड में ये 10,000 रुपीज़ को लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गिफ्ट कार्ड पर सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग गिफ्ट कार्ड यानी कि गिफ्ट कार्ड में नहीं लेना चाहते यानी कि आप सीधा अपना बैंक अकाउंट पर ये लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बैंक अकाउंट पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, सो बैंक अकाउंट नंबर पर आप जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो कि आपके पास यहाँ पर जो कि बैंक अकाउंट ऐड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐड न्यू अकाउंट ऑप्शन है तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे IFSC कोड को फिलअप करना होगा एंड यहाँ पर जो कि आपको अकाउंट नंबर फिल करना होगा एंड कन्फर्म अकाउंट नंबर। ठीक है, तो अकाउंट नंबर को दो बार से यहाँ पर जो कि भरना होगा एंड यहाँ पर जो कि अकाउंट होल्डर नेम। ठीक है, तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन यानी कि अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर आपको ठीक से देना होगा। ठीक है, यहाँ पर गलती मत करना यानी कि गलती कर देंगे तो अदर अकाउंट नंबर में ये आपका पैसा जो कि चला जाएगा, तो यहाँ पर जो कि ठीक से आपको अकाउंट नंबर को ऐड करना होगा एंड यहाँ पर जो कि आपका फ़ोन नंबर को यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर करने के बाद ऐड ए न्यू अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करके इधर आना होगा। तो ये करने के बाद आप इधर से जब बैक आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट का
एंड उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट एक रिक्वेस्ट, ये ऑप्शन खोल के आ जाएगा। तो मैं फिलहाल इसको रिफंड या रिप्लेस्ट नहीं करूँगा सर, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबमिट ए रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। सो जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगा एंड आपका यहाँ पर जो कि रिफंड एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक। सबमिट करने के बाद विदाउट वन डेज यानी कि कल ही आपको जो कि डिलीवरी बॉय आएगा ना आपका प्रोडक्ट को ले जाएगा और आपको 24 आवर्स में आपको यहाँ पर जो कि ये रुपया आपका बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप जो कि रिफंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में जो बेल आइकन आ रहा है उसको प्रेस करके रख दीजिए लगातार अपडेट पाने के लिए। तो गाइस ऐसे ही फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तो गाइस इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।